नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तिरुवेरमपुर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते बिल कलेक्टर को पकड़ा। हाउस टैक्स तय करने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले एक बिल कलेक्टर को गिरफ्तार किया गया। कथिरवेल उम्र 60 वर्ष, त्रिची के नगर से। वह अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने दुमाकुडी नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में घर बनाने के लिए एक घर खरीदा है। लगभग 15 दिन पहले कथिरवेल दुमाकुडी नगर पालिका कार्यालय गए थे और बिल कलेक्टर सौंदारा पांडियन को अपना आवेदन सौंपा था, जिन्होंने आवेदन प्राप्त किया था और उन्हें 15 दिनों के बाद वापस आने के लिए कहा था। तदनुसार कथिरवेल 29 जुलाई 2024 को दुमाकुडी नगर पालिका गए और बिल कलेक्टर सौंदारा पांडियन से मिले और अपने आवेदन की स्थिति के बारे में पूछताछ की। इसके लिए यदि बिल कलेक्टर सौंदारा पांडियन 50,000 की रिश्वत दे तो ही वह आपकी खाली जमीन का टैक्स तय कर सकता है। उन्होंने कहा कि खाली जमीन का लाइन भुगतान अलग से किया जाए। रिश्वत रोधी विभाग के श्री मणिकर्दन को दी गई शिकायत पर कादिरवेल, जो रिश्वत देने को तैयार नहीं थे, रिश्वत रोधी विभाग द्वारा दी गई सलाह पर सुंदर पांडियन 35 वर्ष को स्वेटरानी और भ्रष्टाचार विरोधी रुपए की रिश्वत मिली। पुलिस ने बिल कलेक्टर सौंदारा पांडियन को रंगे हाथों पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया और इसी सिलसिले में रिश्वत विरोधी पुलिस दुमाकुडी नगर पालिका कार्यालय में छापेमारी कर रही है। इस बात की जांच चल रही है कि क्या बिल कलेक्टर ने सिर्फ अपने लिए 50,000 की रिश्वत ली या फिर यह रकम कौन किसे और कितनी बांट रहा है। इस घटना से तिरुवेरमपुर इलाके में काफी सनसनी फैल गई है। शंकर रमन, त्रिची जोन चीफ, रिपोर्ट।